जय भीम साथियों। हाँ, अभी मेरे पीछे आप एक स्टैचू देख रहे हैं, परम पूजनीय बाबा साहब का स्टैचू। और अभी हम लोग हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, और ये है मऊ में बाबा साहब की जन्मस्थली के पास। और मेरा लाइव आने का कोई कारण था, मैं आपको बता दूं कि मैं लाइव क्यों आ रहा हूँ। मेरे साथ एक साथी जुड़ेगा अभी, और हम क्यों आए ये मैं आपको बता दूं। मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं, 93 में, हाँ, 1993 में मऊ में बाबा साहब के नाम से एक रिसर्च सेंटर बना, और वो भारत का पहला रिसर्च सेंटर था जो बाबा साहब के नाम से, एकमात्र। 2014 में उसको यूनिवर्सिटी बनाया गया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय बनाया गया। सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय तो बनाया गया, लेकिन कुछ चीज़ें उससे में चेंज कर दी गई। उसका एक अपना मैनिफेस्टो था, संविधान था जब ये बनाया गया था। अब उसके साथ छेड़खानी हो रही, बड़े पैमाने पर छात्रों की बड़ी शिकायतें हैं। मेरे साथ एक साथी जुड़ेगा, मैं आपको पहले ये बाबा साहब की स्टैचू दिखा दूँ। ये बाबा साहब की स्टैचू, आप उसके नीचे लिखा हुआ भी है, बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक संस्थान, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव राम जी अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण। और इसके पीछे आपको देखने को मिलेगी, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय। वो सामने आपको बोर्ड दिखाई दे रहा होगा। तो मैं चाहता था कि ये मैसेज पूरी दुनिया तक पहुँच जाए, क्योंकि ये पहला रिसर्च सेंटर था। और अब ये जो है, ये मेरे सामने है, अब आप पढ़ सकते हैं आराम से। तो अब ये पहली सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय बन चुका है, लेकिन वास्तविकता क्या है, हकीकत क्या है इसकी, और यहाँ क्या चल रहा है, ये मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो चलिए, मेरे साथ हैं, क्या नाम है आपका? मनोज वास्कल। मेरे साथ हैं मनोज वास्कल, PhD रिसर्च स्कॉलर। ये PhD रिसर्च स्कॉलर हैं, कौन से सब्जेक्ट पे? समाज कार्य विषय पे। मैं चाहता हूँ कि आप इनको सुने, और बहुत ज़रूरी है इनको सुनना, क्योंकि जो इन्होंने मुझे बताया मैं चाह रहा था आप लोगों तक तो पहुँचा दूँ। क्योंकि अगर ये जानकारी आपको नहीं पहुँचेगी तो आपको जानकारी नहीं होगी कि आपके अधिकार लूट रहे हैं, छीन रहे हैं, और लोग उनको बड़ी आसानी से छीन पा रहे हैं, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। तो अब जो आगे की घटना आप सुनेंगे वो वास्कल के द्वारा सुनेंगे। वास्कल, बताओ क्या चल रहा है? मेरा नाम मनोज वास्कल है, मैं PhD रिसर्च स्कॉलर हूँ, और पिछले 3 साल से मैं इस विश्वविद्यालय में नियमित शोधार्थी हूँ और RGNF हूँ, और यहाँ मैं PhD कर रहा हूँ। PhD करते करते मुझे 3 साल हो गए हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मुझे 3 साल हो गए, आज तक मुझे गाइड नहीं मिला जिसके अंतर्गत मैं PhD कर सकूँ। इस विश्वविद्यालय, जब ये विश्वविद्यालय बना सन 2014 में, पहले ये राष्ट्रीय शोध संस्थान था, अभी ये सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय है। अभी विश्वविद्यालय बना, विश्वविद्यालय बनने के बाद में यहाँ पर 2014 के बाद में जो है यहाँ के कुलपति चेंज हुए। पहले कुलपति थे डॉक्टर RS कुरिल, उनको किसी कारणवश हटा दिया, शासन प्रशासन ने उनके ऊपर कई आरोप लगाए और उन्हें हटा दिया गया। इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य है समाज के शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के छात्र छात्राओं को निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाना। लेकिन जब ये 2014 में बना, उसके बाद में इस विश्वविद्यालय में ब्राह्मणवाद शासन लागू हो गया और यहाँ हमें किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं दी जा रही। तुम अभी कुछ बता रहे थे वास्तव में कि पहले जो इसका संविधान था उसमें, हाँ, हाँ, ये लिखा हुआ था कि यहाँ जो SC ST OBC के लोग जो है कुलपति और कुल सचिव अन्य इन पदों पर रह सकते हैं, ये क्या है? हाँ, जब ये संस्थान था, शोध संस्थान था, राष्ट्रीय शोध संस्थान था, तब यहाँ पर एक कानून चलता था। अच्छा। वो कानून ये था कि जो SC ST का होगा वही यहाँ पर कुलपति और कुलसचिव बन सकेगा। अच्छा। लेकिन जब विश्वविद्यालय बना तब ऐसा नहीं था। अच्छा। विश्वविद्यालय बनने के साथ ही यहाँ की जो शोध संस्थान की जो सुविधाएं थी वो खत्म हो गई। अच्छा, कैसी सुविधाएं खत्म कर दी गई? जैसे यहाँ कुलपति, हाँ, SC का बन सकता था। अब कौन है? अभी यहाँ आशा शुक्ला मैडम है। अच्छा, शुक्ला, हाँ। अच्छा, यहाँ के कुल सचिव मनोज तिवारी जी हैं अभी यहाँ पर। अच्छा, हाँ।
और अभी अभी लेटेस्ट हमारे पास लेटर आया है, मैं लाया नहीं हूँ, उस लेटर में लिखा है कि आपको जो है विश्वविद्यालय छोड़ना पड़ेगा, आपको 3 साल हो गए हैं, आपके लिए गाइड की व्यवस्था हम यहाँ पर नहीं करा सकते। अच्छा। समाजकारी विषय में यहाँ पर आपके पीएचडी गाइड नहीं है, ये गाइड नहीं मिल रहे, इस वजह से आपको रीवा विश्वविद्यालय में ट्रांसफर किया गया। तो इससे तो बड़ी कठिनाई होने वाली है। बिल्कुल, ऐसे मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ पर करीब 350-400 छात्र हैं जिनको कहीं रीवा भेजा जा रहा है, कहीं भोपाल बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भेजा जा रहा है, कहीं इंदौर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय भेजा जा रहा है। अब बताइए, अगर इस विश्वविद्यालय में हम जैसे छात्रों को, गरीब छात्रों को पीएचडी नहीं कराई जाएगी और हमारा 3 साल समय बर्बाद होने के बाद में हमें बोला जाएगा कि आप यहाँ से जा सकते हैं, दूसरे विश्वविद्यालय में आपको ट्रांसफ़र किया गया है, वहाँ अगर हमारे साथ में किसी प्रकार का गलत व्यवहार होता है तो हमें कौन देखने आएगा, कौन सुनने आएगा? अगर वहाँ उन्होंने पीएचडी कराने से मना कर दिया तो मेरा तो भविष्य खराब हो जाएगा ना, 3 साल तो खराब। अच्छा, मैं तुमसे जानने का प्रयास कर रहा हूँ, तो क्या यहाँ जहाँ आप पढ़ रहे थे तो यहाँ आपको लगता था कि यहाँ संस्थान में आपको जो आप रह के पीएचडी कर पाएंगे आराम से, ऐसा उम्मीद थी आपको? आज आपकी उम्मीदें क्या टूट रही? बिल्कुल, आज मेरी क्या, सारे छात्रों की उम्मीदें टूट रही आज सब। अच्छा, हाँ, आपके है, पापा क्या करते हैं? मेरे पिताजी जो है कृषि मजदूरी करते हैं साहब। अच्छा, हाँ कृषि मजदूरी करते हैं मेरे पिताजी। हाँ, वागले जो है, क्या नाम बताया? मनोज वास्केल। मनोज वास्केल जो है, इनके फादर कृषि का काम करते हैं। तो आप समझिए कि हम जो शोषित पीड़ित लोग हैं, हम भी चाहते हैं कि हम लोग पढ़ें, और जो व्यवस्थाएं पढ़ने के लिए हमारे लिए बाबा साहब ने की है तो वो आज उनको ख़त्म किया जा रहा है। जब ऐसे नौजवान नहीं पढ़ पाएंगे तो क्या समाज, कैसे समाज का भला करेंगे, कैसे सिस्टम में आएंगे, कैसे अपने लोगों की आवाज़ उठा पाएंगे? थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। मनोज की पीड़ा आप समझ सकते हैं। मनोज के साथ 350 लोग ऐसे हैं, 350 बच्चे ऐसे हैं जो पीएचडी कर रहे हैं, कल देश का भविष्य है, उनको उनकी पीएचडी में बाधा उत्पन्न की जा रही है, उनको रोका जा रहा है, उनको भेजा जा रहा है दूसरे विश्वविद्यालयों में। अगर वहाँ उनके साथ अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती या उनको वहाँ भी गाइड नहीं मिलता तो उनका फ्यूचर ख़राब होगा। तो ये बड़ी सम्मान, तुम कहना कुछ कहना चाह रहे हो? एक 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 संदेश देना चाह रहा हूँ सर आपके माध्यम से। मेरा एक संदेश है तमाम बाबा साहब के नाम से संगठन चलाने वाले साथी, जय भीम बोलने वाले साथी, बाबा साहब के विश्वविद्यालय देश में कई हो सकते हैं ये मैं मानता हूँ, लेकिन महू में, चूँकि महू में बाबा साहब का जन्म हुआ है इसलिए महू के जो विश्वविद्यालय है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से, उस विश्वविद्यालय में अगर किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो उस पर गौर करना पूरे देश के अम्बेडकरवादियों को करना चाहिए, और गौर ही नहीं करना चाहिए, जो समस्याएं इस विश्वविद्यालय में है इस समस्याओं को समाधान के लिए बाकी तमाम संगठन के साथियों को भी सहयोग करना चाहिए। जिस प्रकार आज भीम आर्मी के चीफ हमारी मदद कर रहे हैं, उस प्रकार बाकी संगठन के साथियों को भी हमारी मदद करना चाहिए, और इस विश्वविद्यालय के संविधान को बचाना चाहिए, इस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को भी बचाना पड़ेगा। मनोज, हम 350 छात्र यहाँ से चले जाएंगे उसके बाद में ये विश्वविद्यालय बंद हो जाएगा। तो क्या आप चाहते हैं कि महू का विश्वविद्यालय, जहाँ बाबा साहब का जन्म हुआ था, वो विश्वविद्यालय बंद हो? जब छात्र ही नहीं रहेंगे तो विश्वविद्यालय तो बंद होगा ना। मनोज का सवाल बड़ा है, मनोज का सवाल ये है कि अगर बच्चे ही नहीं रहेंगे तो विश्वविद्यालय बंद हो जाएगा, तब हम कहाँ जाएंगे, तब ये यूनिवर्सिटी नहीं रहेगी। सवाल ये है कि बाबा साहब के नाम पर चलने वाली संस्थाएं अगर बंद हो जाएंगी, और वो भी वहाँ जहाँ बाबा साहब पैदा हुए, कैसे चल पाएगा? बड़ा कठिन है। मेरा बस आपसे इतना कहना है, और मैं यहाँ जो लोग इसे सुनेंगे, क्योंकि मेरे बाद इसे पूरे देश के लोग सुनेंगे और साथ इसे शेयर भी करेंगे, मैं आपको इतना बता दूँ, मनोज अकेला नहीं है, मनोज के साथ 350 ऐसे लोग हैं, साथी हैं, बच्चे हैं जो पीएचडी कर रहे हैं, उनका भविष्य खतरे में, और ये नहीं होने दिया जाएगा किसी भी तरह से। हमारी मांग ये है सर कि हमें यही गाइड उपलब्ध, इनकी मांग ये है, हमारी मांग यही है कि जो महू का विश्वविद्यालय है वहीं पर हमें गाइड उपलब्ध कराया जाए और हमारी पीएचडी यहाँ पर 2 साल और बचे हैं पूरा करवाया जाए। कमजोर बच्चों को इधर उधर भेज के उनके करियर को नुकसान पहुँचाने के बजाय अगर आप यहीं पीएचडी के लिए गाइड अवेल करा दें तो उनको मदद हो सकती है। मैं बस इतना कह देना चाहता हूँ, मेरे इस लाइव के बाद कोई ऐसा ना हो कि कोई अहंकारी ब्राह्मणवादी कुल सचिव या कुलपति हमारे छोटे भाई को परेशान करें। ये याद रखिएगा कि भीम आर्मी और सभी सामाजिक संगठन इनके साथ खड़े हुए हैं, इनको परेशान ना किया जाए, इनकी मदद की जाए, और अगर ऐसा करने कोई प्रयास करेगा तो याद रखिएगा हम संविधान को मानते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि मऊ बंद करना पड़े और मध्य प्रदेश बंद करना पड़े, सरकार को सोचना पड़े, हम अपने अधिकारों को छीनने नहीं देंगे। मैं चाहता हूँ इसे आप जरूर सुने, इस लाइव के बाद सुने, जो लोग अभी नहीं सुन पा रहे बाद में सुने, बड़ी समस्या है, सब कुछ है, अगर बाबा साहब ना होते तो क्या हम लोग होते? हमारा वजूद बाबा साहब से,
सर एक और चीज थी। हाँ मनोज कुछ और कहना चाहते। अभी मुझे याद आया, हर वर्ष इस विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियाँ आयोजित की जाती थी, इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया। 3 विदेशी जो है वक्ता यहाँ पर बुलाए गए, लेकिन अकारणवश और तत्काल जो है ये अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी बंद कर दी गई। किसने बंद की? यहाँ VC और रजिस्ट्रार मैडम ने जो है निरस्त कर दिया गया, पोस्टपोन करवा दी। वो नहीं चाहते यहाँ पे जो है बाबा साहब का नाम बताइए। जहाँ पर PhD कर रहे हैं लड़के लड़कियाँ, वहाँ पर अगर संगोष्ठियाँ नहीं होगी, सभा नहीं होगी, कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, तो छात्र अपना सोच कैसे पूरा करेगा? और खासतौर पर बाबा साहब की जयंतियाँ क्यों बंद करवाई जा रही है उसी विश्वविद्यालय में जहाँ पर पढ़ रहे हैं? हाँ, बाबा साहब के नाम से जो रिसर्च सेंटर विश्वविद्यालय है, वहीं बाबा साहब पे संगोष्ठियाँ नहीं होंगी, वहीं बाबा साहब के विचारों का प्रत्यावेदन नहीं किया जाएगा, वहीं बाबा साहब के विचारों को नहीं फैलाया जाएगा। और तीन बड़ा क्वेश्चन बना है कि 3 बड़े बुद्धिजीवी विदेश से यहाँ आने वाले थे, इस पर चैप्टर देने, इस पर अपनी बात रखने, यहाँ के जो PhD करने वाले बच्चे हैं, छात्र छात्रा हैं, उनको समझाने के लिए, उनको प्रेरणा देने के लिए उनको रोका गया है, जानबूझकर जो यहाँ का प्रोग्राम कैंसिल किया गया। आप मुझे बताएं कहाँ अगर बाबा साहब की यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम नहीं होगा, बाबा साहब के जन्मदिन पे जो हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है, कहाँ पर होगा? कांग्रेस दफ्तर में, BJP के दफ्तर में, संघ के कार्यालय में कहाँ होगा? ABP के कार्यालय में कहाँ होगा? समझना पड़ेगा कि अगर बाबा साहब के विश्वविद्यालय में बाबा साहब संगोष्ठी नहीं होगी तो कहीं और नहीं होगी। बाबा साहब का जय भीम बोलने से ये जो पार्टी आवाज बाबा साहब को याद कर रही है, इसलिए कर रही है कि वो उनसे जुड़े वोट बैंक को कब जाना चाहती है। हमारा उद्देश्य ये है कि पूरे देश में जो चल रहा है वो सब लोग पता जाना चाहिए। ये बड़ा सवाल है, मैं चाहता हूँ उसको इस पर आप अपनी राय रखें और ये सभी लोगों तक पहुँचाएं। पहला सवाल कि यहाँ संविधान में SC/ST OBC के ही कुलपति और कुलसचिव हो सकते हैं, उसको बदला गया है। दूसरा, यहाँ के बच्चों को यहाँ से भेजा जा रहा है, यानी कि यूनिवर्सिटी को बंद करने की साजिश हो रही है। और तीसरा, यहाँ बाबा साहब के जन्मदिन पर कल प्रोग्राम था, उसको जानबूझकर कैंसिल किया गया है। अब समझने की बात है। एक और चीज़ मैं आप इसमें एक और चीज़ जोड़ देता हूँ, SC/ST आयोग हमारा है, हमारे लिए काम होंगे, चेयरपर्सन वहाँ बैठे हुए ब्राह्मणवादी लोग, वो क्या हमारा भला करेंगे भाई? आपको समझना पड़ेगा, हमारा नाम रह गया है, इसका आनंद दूसरे लोग ले रहे हैं, हमें इस पर लड़ना पड़ेगा। और हम लोग अब ये चुनाव खत्म हो जाएगा, राजनीतिक लोग घर बैठ जाएंगे, तब हम इस पर लड़ेंगे। लेकिन अभी भी मैं यहाँ की पूरी भीम आर्मी की टीम को ये निवेदन कहता हूँ और ये आदेश भी देता हूँ कि अगर कभी इनके साथ कोई भी प्रॉब्लम्स आए तो आप उसमें खड़ा होकर काम कीजिएगा, इनको मदद कराइएगा, इनको अकेले मत होने दीजिएगा और इनको ये ना लगे कि अकेले। मनोज, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हम सब लोग आपके साथ हैं, आपके साथ कोई भी अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। इस मामले पे अगर आंदोलन करना पड़ा, धरना करना पड़ा, जेल जाना पड़ा, कुछ भी करना पड़ा, तो भीम आर्मी की टीम यहाँ मदद करेगी। आप लोग सपोर्ट करेंगे सब लोग? बिल्कुल। भीम आर्मी के साथ मेरे और भी साथी जुड़े हैं, लेकिन मेरे परिवार का हिस्सा है तो वो भी उन्होंने भी वादा किया है कि वो भी जो हैं इसमें मदद कराएंगे। ऐसे एक छोटे भाई मेरे साथ हैं, वो उन्होंने वादा किया कि वो मदद कराएंगे और वो प्रयास करेंगे इस लड़ाई को कमजोर ना पड़ने दे। तो इसी तरह से जो है हमारे सामाजिक संगठनों का उद्देश्य होना चाहिए कि हमें अपने जो भी प्रॉब्लम्स हमारे साथ चल रही है, जहाँ भी चल रही है, बाबा साहब से जुड़ी हुई कई संस्थानों में या कई अन्य उसमें, तो उस पर हमें काम करना पड़ेगा। जय भीम आर्मी, फिर आपसे मुलाकात होगी। बड़ा अच्छा स्टैचू था, मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा था, बड़ा अच्छा स्टैचू है ये, लेकिन हम स्टैचू की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। कब तक लड़ेंगे स्टैचू की लड़ाई? अब अधिकारों की लड़ाई लड़ जाएगी, उसके लिए भीम आर्मी बड़ी मजबूती से काम करेगी। और हमारा उद्देश्य है कि बाबा साहब से जितने भी रिलेटेड मामले हाँ, 2 अप्रैल की ताकत दिखानी पड़ेगी, बिल्कुल दिखानी पड़ेगी। एक्चुअली अगर आप जीना चाहते हैं, साहब का आश्रम ये कहते हैं कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग रुकने नहीं देते, अगर आप चाहते हैं कि बाबा साहब का सपना पूरा हो, साहब का आश्रम का सपना पूरा हो, इस स्टैचू ये जो स्टैचू है जिस महापुरुष का, उनका काम पूरा हो, तो आपको लड़ना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा ज़मीन पर, AC में बैठ के काम नहीं चलेगा, आपको आके उनकी बात को सुनना पड़ेगा, उनके लिए उनको विश्वास दिलाना पड़ेगा। कुछ लोग हैं ईमानदार से, और हमारी ताकत ईमानदारी है, हम लोग अगर आज जिंदा हैं और काम कर रहे हैं तो मेरे पीछे आप अभी फिर स्टार्टिंग जैसा माहौल बन गया बाबा साहब के स्टैचू है, हम हैं तो इनकी वजह से, और जब तक हमें इनकी आइडियोलॉजी के साथ समझौता नहीं करेंगे, जो इन्होंने कहा वो सत्य है, हम उसी पर काम करेंगे। समतामूलक समाज तब बनेगा जब SC/ST OBC माइनॉरिटी के लोग, आदिवासी लोग मजबूत होंगे। सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन बहुत बड़ी मजबूती से बीमारी में चलाएगी, कहीं भी एट्रोसिटी होगी हम लोग लड़ेंगे। गिगराज, आप लोग तैयारी कीजिए, जून में हम लोग आ रहे हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों में, 2 अप्रैल से जुड़े सभी मामलों में
और एक दो मामले और हैं, जैसे कि मेरे साथ एक साथी थे, अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो मुझे कह रहे थे कि भैया मऊ में जो बाबा साहब की जन्मस्थली उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। तो जो ऐसे मुद्दे हम उन पर लड़ेंगे और उन बड़ी मजबूती से लड़ेंगे। हमारा काम है संघर्ष करना। बाबा साहब ने हमें शिक्षित बनो, संगठित बन रहो, संघर्ष करना सिखाया है। अब हम स्वाभिमानी बनेंगे, संघर्ष भी करेंगे और अंतिम समय तक लड़ेंगे। जय भीम, जय भीम आरपी। और इसमें ऐसा नहीं है कि हम अकेले हैं, एससी एसटी के लोग हैं, ओबीसी समाज के रविंद्र भाटी जी, गुजर समाज से हमारे भाई भी हमारे साथ यूपी से, सभी साथियों को क्रांतिकारी। हाँ, ये भी ये बहुजन परिवार जो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा। फिर आपसे मुलाकात होगी। मेरे साथ मैं एक चेहरा और दिखा दूँ, सुनील हस्ते हैं छोटे भाई, जय भीम, भीम आर्मी के प्रभारी हैं। अच्छा, मेरे साथ जो है विनोद यादव अम्बेडकर हैं, इंदौर जिला अध्यक्ष। मेरे साथ दत्तू मेड़े जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अच्छा, मेरे साथ रोशन खांडे हैं, रोशन वर्मा जो संभाग इंदौर संभाग उपाध्यक्ष हैं। मेरे साथ जी एस सूर्यवंशी हैं आगर से। मेरे साथ संजय सोलंकी है मऊ से। मेरे साथ और भी साथी हैं, मजबूत साथी, डॉक्टर हेमंत कुमार मऊ से। तो ऐसे बहुत सारे साथी हैं, ओबीसी समाज से छोटा भाई है मेरे साथ, मेरा सत्यशोधक समाज पूरी अंतर्राष्ट्रीय की टीम भीम आर्मी के साथ है, गोविंद चौधरी हमारे साथ हैं। तो बड़ी मजबूती से ये लड़ाई जो है किसी भी मुद्दे पे जो भी आंदोलनों का लड़ी जाएगी। हमारे साथ सुनील परमार हमारे साथ हैं। चलिए, अब मैं इजाज़त चाहता हूँ आपसे, फिर आपसे मुलाकात होगी। मैं वापस लौटूंगा फिर, कोई भी कोई मुद्दा होगा तो हम उसके आवाज़ को जरूर उठाएंगे और उम्मीद करेंगे सरकार जाग जाए, कोई भी ऐसा कार्य ना करे जो बहुजन समाज के विरोध में हो। जय भीम, जय भीम आर्मी।